हेलो फैमिली, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बरजे, केन शो का सगाई, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको दिखाने आया हूँ 3 BHK का एक बेहतरीन फ्लोर प्लान वाला अपार्टमेंट, जिसकी लोकेशन है इंजीवरी फेज 1, और ये बहुत ही बड़ा लैंड पार्सल में है। तो प्लीज अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आपको मेरे नंबर दिए गए हैं, वहां पे जाइए, मुझे कॉल करिए और व्हाट्सएप करिए, और मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आपका आशीर्वाद की जरूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा फ्लैट के बारे में। तो एंट्रेंस पे आपकी ऐसी लॉबी आने वाली है जो आप बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन कर सकते हो ऐसे मिरर लगा के, ठीक है। तो आप अपने आर्किटेक्ट को देखना, अगर आप ये फ्लैट खरीद रहे हो तो वो क्या आपको डिजाइनिंग देता है, बट ये मिरर बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये है आपकी लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस, जहां पे आप देख सकते हैं कि एल शेप में सोफा लगाए गए हैं, ठीक है। आपके इस साइड में आ रहा है टीवी यूनिट्स के पॉइंट ये दिए गए हैं, और इस साइड में आ रही है आपकी डाइनिंग स्पेस, और डाइनिंग भी 2-सीटर 4-सीटर नहीं, 6-सीटर डाइनिंग लगाई गई है। आप इसको आप अपग्रेड कर सकते हो, ज्यादा भी लगा सकते हो, समझो आपने 6 सीटर लगी, 1 सीटर यहाँ पे लगा दिया आपने, और ये थोड़ा सा खींच के उधर भी 1 लगा दिया तो 8 सीटर आराम से लग जाएगी। और ये पहले आप देख लो क्या फील आ रहा है आपको, ये वो फील है जो आपके घर में मिलने वाला है, ठीक है। अभी इसके साथ अटैच बालकनी है, एक्चुअली ये फर्स्ट फ्लोर का सैंपल फ्लैट का टूर है, तो ये गार्डन बालकनी में आपको दिखाऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपकी किचन, जो है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और लगने वाली है बहुत सोवर टाइप, बहुत अच्छी, मतलब फील गुड, जहां पे आप देख सकते हैं एल शेप में आपका प्लेटफॉर्म है इन टू इन, ठीक है, इन टू इन, मतलब कहीं पे भी ऐसी नहीं है। इसकी अगर मैं प्लेटफॉर्म की चौड़ाई की बात करूं तो बहुत अच्छी लग रही है। आप नीचे जो देख रहे हो ना क्लोज कैबिनेट्स, आप बना सकते हो ऐसे, ये जस्ट आपके सैंपल पर्पस के लिए है। इस तरीके के ओपन कैबिनेट्स भी आप बना सकते हो, ठीक है, या ऊपर से ही तो क्लोज कैबिनेट्स भी बना सकते हो, बट हाँ अपने कंसल्ट करिए अच्छे आर्किटेक्ट, और मुझसे भी कर लीजिए भाई, मैं आपको अपडेट करूंगा। मेरे कुछ कई सारे फ्रेंड हैं आर्किटेक्ट, इसकी साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ जो आपको देखने को मिलेंगी, और इसके साथ आपको मिल रही है, कपड़े भी तो गंदे होने वाले हैं तो ड्राई बालकनी तो चाहिए ना। आइए, ये है आपकी ड्राई बालकनी की स्पेस, नीचे देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे लगा दिया वॉशिंग मशीन, देखिए यहाँ पे आउटलेट पॉइंट दोनों दिए गए हैं, यहाँ पे आप लगा लो क्लॉथ हैंगर, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन लगा लो एक्चुअली, क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो भी आपकी स्पेस काफी अच्छी खासी बच जाती है। और ये है आपकी इनक्लोज, ठीक है, ये सैंपल फ्लैट का वीडियो है। आइए अब मैं आपको दिखा रहा हूं आपका फर्स्ट, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा अपार्टमेंट होने वाला है बेसिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पे आएगा आपका गार्डन, ये गार्डन फ्लैट है, गार्डन फ्लैट बेसिकली जो आप बालकनी में आते हो तो ये गार्डन स्पेस आपको अलग से एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। यहां का भी थोड़ा काम चल रहा है तो आपको ऐसी चीजें दिख रही है, बट इसका पूरा मैं आपको डायमेंशन आपको दिखा दूंगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, जो जब ये पूरा बन जाएगा तो मैं आपको वापस दिखाऊंगा। आइए, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम, मतलब प्लानिंग बहुत अच्छी की गई है। आप जैसे आ रहे हो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जा रही है वॉश बेसिन के लिए स्पेस, ठीक है, और वॉश बेसिन ऑलरेडी लगाया गया है, ठीक है। तो ये आप कहीं पे भी अपने रूम में मैं जाता हूं ना तो मेरे को कहीं पे भी ऐसा डेड स्पेस नहीं लग रहा, डेड स्पेस की आपको अनवांटेड स्पेस ऐसे ही कुछ बीम कॉलर डाल दिए, आपको उसका यूज भी नहीं कर रहे, और आपको आपके वो पॉकेट में भी आ रहा है, यू नो, यानी कारपेट में आ रहा है तो आपके ऑलरेडी पॉकेट में आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा पहले पहला बेडरूम, कॉमन वॉशरूम जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले देख लो बच्चों के बेडरूम, इसके बाद ही वॉशरूम आएंगे ना। आइए, ये है किड्स बेडरूम, प्लानिंग देखिए, यहाँ पे बड़ी साइज की बेड लगाई गई है, और ये मैं बताऊं तो ये इंटीरियर किया गया, ऑलरेडी ये 1.5 फुट का अंदर का स्पेस है। इस साइड में मैं आपको बताऊंगा फुल लेंथ विंडोज है, और ये जो विंडोज होते हैं ये साउंड रेसिस्टेंट है, 70-80% साउंड बाहर से आने वाली साउंड को रोक, ठीक है। साइज आप देख लो, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने यू नो डिजाइन किया है, आप भी कर सकते हो, इससे बेटर भी कर सकते हो, बस आर्किटेक्ट की आपको एक इंटीरियर वाला अच्छा चाहिए, आर्किटेक्ट कोई भी चाहिए आपको अच्छा, आप अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट यानी प्रॉपर्टी एडवाइजर से पूछ लो, और आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर कौन है बताने की जरूरत ही नहीं। आइए,
अब मैं आपको दिखाऊंगा आपका कॉमन वॉशरूम। आइए। अब आपने नोटिस किया जैसे मैं आया हूं यहां की लाइट चालू हुई है, ठीक है, होम ऑटोमेशन, ठीक है, आप ये करा सकते हो। यहां पे आ रही है आपकी कमोड, शावर एरिया। अब मैं बाहर से बाहर निकलूंगा, इसकी साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप देख लो। अब मैं आपको दिखाता हूं सेकंड बेडरूम जो कि है मास्टर बेडरूम। आइए, किंग साइज की बेड, फुल लेंथ की विंडोज, देखिए जो आ रही है आपकी मॉस्किटो मैश के साथ, और दो ट्रैक में आपके ग्लास डोर्स। अब मैं आपको बताऊं पीछे आप जो देख रहे हो ना, ये वार्डरोब का स्पेस है आपका, अच्छी खासी डेप्थ है, साइज बहुत अच्छे तरीके से प्लान की गई है। इसकी भी साइज आपको मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं। अब मैं दिखाता हूं इसका अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम आगे जैसे आ रहा हूं तो ये आपकी वॉश बेसिन मेरे राइट हैंड साइड में आ रही है, कमोड, एंड ये आ रही है आपकी शावर एरिया। आपने एक चीज नोटिस किया या नहीं किया बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप शावर लेने आते हो ना तो आपका जो इस साइड का एरिया होता है ना वो गीला हो जाता है। लोगों को नहीं चाहिए, कमोड के पास आपका गीला नहीं होगा। मेरे कई सारे क्लाइंट ने पूछा है कि वरुण आप ये कमोड के पास शावर एरिया होता है तो फिर वो एरिया तो गीला हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके की प्लानिंग है, पहले आके आपको देखनी चाहिए। और हाँ, एक्सप्लेन करने का प्लीज आइए और मुझे मौका दीजिए, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और इसके भी साइज आपको, सारे साइज आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। अब मैं दिखाता हूं आपका थर्ड बेडरूम जो है मास्टर बेडरूम। आइए, विद किंग साइज की बेड, राइट हैंड साइड में आपको आ रही है वार्डरोब, और वार्डरोब की अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो अच्छी खासी है। और यहां पे आपने देखा होगा कि राइट हैंड साइड में आपको मिल रहा है फुल लेंथ विंडोज तो है ही, और इस साइड में भी आपको वेंटिलेशन के लिए मिल रही है, ठीक है। तो वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है इस घर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट मतलब इंटीरियर टाइप्स में रखे गए हैं, ये आपको बस बताने के लिए रखे गए हैं ताकि आप अपने घर में जब आते हो ना तो इस तरीके के इंटीरियर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसका अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम में देख रहे हैं आपका वॉश बेसिन, कमोड एंड शावर। अब एक चीज जैसा मैंने आपको बताया था कि वहां पे आप जैसे शावर एरिया में आते हो तो शावर एरिया गीला हो जाता है, कमोड गीला नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसा शावर एरिया ऊपर है और आप सॉरी कमोड एरिया ऊपर है, शावर एरिया नीचे है। तो जैसे आप शावर करते हो ना तो ये ऊपर पानी नहीं जाएगा क्योंकि ये जस्ट स्लोपी पानी नीचे आएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल मतलब पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे मैं बता रहा हूँ। अब पूरे अपार्टमेंट का एक रिव्यू ले लीजिए, मैं बताऊँ लिविंग स्पेस।
तो ये है आपका 3BHK का आपका अपना घर, यो हनी सिंह वाला, ठीक है, आपका अपना घर जो 3BHK का है इंजोरी लोकेशन में बेहतरीन फ्लोर प्लान के साथ। अब आपको चाहिए इसकी डिटेल्स, आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर दिख रहे हैं, जाइए वहां पे कॉल करिए और व्हाट्सएप करिए, मैं आता हूं आपको ये साइट विजिट कराने और एक्सप्लेन करने का मुझे मौका दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ ना आशीर्वाद इस चैनल को बनाए रखें। थैंक यू।